gets it back. 3 to tie. Steph, 3. 30 and 30. Oh, did you see that? Draymond to set the ball screen. Steph for the lead. He got it! 2015 में बेस्ट मेल एथलीट ESPY अवार्ड, 2010 में ऑल रूकी टीम और तो और 2022 में NBA फाइनलिस्ट्स के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड और न जाने ऐसे कितनों ही ढेरों अवार्ड्स जीतने वाले स्टीफन करी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, मगर इतने सारे अवार्ड्स जीतने के लिए टैलेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ डेली रूटीन तो जरूर लगता होगा, और इसीलिए हाई वैल्यू बीइंग लाया है आप सभी के लिए स्टीफन करी का अपना डेली रूटीन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने ऑफ डे स्केड्यूल में स्टीफन थोड़ा सा लेट मगर यूजुअली 8 बजे उठ जाते हैं। इसके बाद अपने मॉर्निंग रूटीन में एंटर होने से पहले वो थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं और लगभग 8:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं। तो अपने दिन के पहले मील के लिए स्टीफन यूजुअली फ्रूट स्मूदीज, एवोकाडो टोस्ट, सीरियल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क और एग्स लेना पसंद करते हैं। इसके बाद करी सीधा अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं और वो ये प्रैक्टिस करते हैं आफ्टरनून तक। तो लगभग 2 बजे स्टीफन अपना लंच, जो कि एक काफी लंबा सेशन होता है, उसके लिए आते हैं और अपने लंच में लेते हैं वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, डाइट्री फाइबर, लीन मीट्स, चिकन, सी फूड सैंडविचेस और तो और वो अपनी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट और फैट नीड्स के लिए लेना पसंद करते हैं स्वीट पोटैटोज, फ्लेक्स सीड्स और तो और श्रिम्प। करी का लगभग पूरा दिन अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी और तो और उसकी रिकवरी में चला जाता है, और इसीलिए वो चले जाते हैं लंच के बाद सीधे अपने वर्कआउट रूटीन के लिए। तो मंडे को यूजुअली वो चेस्ट करना पसंद करते हैं, जिसमें पुशअप्स, बेंच प्रेस, डंबल फ्लाई, इंक्लाइन डंबल प्रेस और तो और डेक डेक मशीन पर वो अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो क्योंकि स्टीफन ट्यूसडे को अपनी बैक स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसीलिए उस दिन वो करते हैं पुलअप्स, सीटेड रोइंग, लैट पुल डाउन्स और तो और टी बार रोइंग, और वेडनेसडे को दिन होता है शोल्डर्स का। तो इस दिन स्टीफन डंबल फ्रंट रेजेस, डंबल ओवरहेड प्रेस, लेटरल रेजेस, फ्रंट राइज और तो और श्रग्स करते हैं। थर्सडे यानी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का दिन में स्टीफन कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस जैसे जी बार केबल कर्ल्स, डंबल हैमर कर्ल्स, ट्राइसेप प्रेस डाउन्स और तो और नॉटिलिस कर्ल्स करते हैं। तो वीकेंड के पास आते आते टाइम हो जाता है उनके कार्डियो वर्कआउट का, और इसीलिए फ्राइडे को वो लगभग 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमिल पर रनिंग करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टीफन का ये मानना है कि जितना इम्पोर्टेंट उनका वर्कआउट रूटीन है, उतना ही इम्पोर्टेंट उनका रेस्ट एंड रिकवरी भी है, और इसीलिए स्टीफन सैटरडे और संडे को सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पर ध्यान देते हैं। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों कि स्टीफन को गोल्फ खेलना भी बहुत ज्यादा पसंद है, और अपनी इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज के बाद स्टीफन को पसंद है अपना शाम का समय अपने परिवार यानी अपने बच्चों और पत्नी के साथ बिताना, और अपने इस हेक्टिक रूटीन के बाद और इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहने के लिए स्टीफन यूजुअली लगभग 11 बजे सो जाते हैं। तो स्टीफन का रूटीन काफी ज्यादा इफेक्टिव और तो और इंटेंस है, जो कि एक डेडिकेटेड टाइम रखता है उनकी रिकवरी के लिए भी। तो शायद स्टीफन के इस रूटीन से हमें भी यही बात सीखने को मिलती है कि जितना इम्पोर्टेंट हमारा वर्कआउट रूटीन है, उतना ही इम्पोर्टेंट है रेस्ट करना, क्योंकि शायद उसी डेडिकेटेड रेस्ट के बाद आप
कोई भी एक्टिविटी कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। तो हाई वैल्यू बीइंग आज आपको छोड़ रहा है एक ऐसे इम्पोर्टेंट कोट के साथ जो कि आपको कंसिस्टेंसी के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन देगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही ढेरों वीडियोस देखना चाहते हैं तो हाई वैल्यू बीइंग को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। Dreams without goals are just dreams. Come on. And ultimately, they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline. Discipline, come but on. More importantly, consistency. Because without commitment, you'll never start. But without consistency, you'll never finish.